अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हम रात को काफ़ी लेट नाइट यहाँ पे ग्वादर पहुँचे हैं। कल सुबह तकरीबन 8 बजे के कराची से हम चले हुए थे और रात को तकरीबन 11-12 बजे हम यहाँ पे ग्वादर पहुँचे हैं। और यहाँ पे इस तमाम होटल्स बंद थे, तमाम बाज़ार बंद थे। हमें काफ़ी मुश्किल हुई उसको तलाश करने में। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम जहाँ पे बैठा हूँ ये होटल हमें मिल गया। अच्छा होटल है, सी व्यू इसका नाम है ये इस होटल में। अब हम नाश्ते के लिए जाएंगे। ये जो सफ़र था कल वाला, ये बहुत ही शानदार और कभी ना भूलने वाला सफ़र था। ये कराची से आते हुए बड़ी खूबसूरत मनाजिर आए, समंदर का जो नज़ारा है वो हमें कुंड मलीर पे आके, जैसे ही कुंड मलीर के मकाम पे हम पहुँचे हैं, एक थोड़ी एक स्लोप थी, जब हम उसके ऊपर गए हैं तो एकदम समंदर जो सामने हमारी आंखों के सामने था। और मेरा तो लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था लाइव समुंदर देखने का, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। और मैंने जो है वहाँ पे थोड़ी सी एक वीडियो भी बनाई है कुंड मलीर पे, वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। और इस रोड पे आते हुए मकरान कोस्टल हाईवे पे ड्राइविंग के हवाले से बहुत ही शानदार रोड है। और जो लोग शौक़ से ड्राइव करते हैं, जैसा कि हम शौक़ से लाहौर से ग्वादर तक पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये शौक़ से ड्राइव करने वालों के लिए बड़ा खूबसूरत रोड है। अब यहाँ पे हम मौजूद हैं, मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पे ग्वादर पोर्ट जो है यहाँ सामने नज़र आ रहा है। मकामी लोग राइट साइड के जो हिस्से को एक छोटा समंदर कहते हैं, जो लेफ़्ट साइड पे है इसको बड़ा समंदर कहते हैं। शायद समंदर का कुछ हिस्सा यहाँ पे टच करता होगा, इसलिए उन्होंने उम्मीद है कि उसको छोटा समंदर कहते होंगे। होटल का नज़ारा आपको कराता हूँ, अगर मैं डोर ओपन करता हूँ तो इस तरह का व्यू है। वो सामने आप देख सकते हैं समुंदर है, और समुंदर के राइट साइड पे एक बहुत लंबाई में एक लंबा सा जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो पोर्ट है। यहाँ से सारी ट्रेडिंग होती है। ये करीब एक मस्जिद भी है और ये होटल्स हैं दूसरे, और थोड़ा ही फासला है समुंदर से। आप देख सकते हैं वहाँ सामने आपको वीडियो में शायद नज़र आ रहा होगा। रूम है जी, और यहाँ पे हम रहे थे आज का दिन। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, बाकी इंशाल्लाह अपडेट आपको देता रहूँगा। जो लोग ग्वादर नहीं आए, इंशाल्लाह हमारी इस टूर से वो भी ग्वादर की सैर कर लेंगे, फिज़िकली भी इंशाल्लाह वो करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो वीडियो की हद तक तो सैर करें। तो अब हम अपने होटल से जा रहे हैं नाश्ते के लिए, और आज का दिन हम ग्वादर में ही हैं, इंशाल्लाह ग्वादर में घूमेंगे। और यहाँ की जो दिलचस्पियाँ हैं, जो काबिले दीद चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं ग्वादर के बाज़ार में हूँ, ये इस साइड पे मेरे लेफ्ट साइड पे ये आप देख सकते हैं मार्केट है। ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस साइड पे है, और सामने जामिया इस्लामिया कासिमुल उलूम एयरपोर्ट रोड ग्वादर। अभी हम नाश्ते के लिए निकले हैं, तो ये मुहाफिज साहब हैं आर्मी के, खड़े हैं सामने। देखते हैं जी किस किस्म का नाश्ता मिलता है यहाँ से। होटल वाले भी ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन हमने कहा ज़रा खुद चल फिर के अपनी मर्ज़ी से तलाश करके थोड़ी आउटिंग करते हुए हम उसका कोई इंतखाब करते हैं। थैंक यू।
जाएंगे ना ऊपर, समुंदर का व्यू अच्छा है। अच्छा जी, शाम टाइम कुछ ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसको इसको आप क्या बोलते हैं? बिटन्स। हम इसको बोलते हैं स्टिंगरे। स्टिंगरे। तो दोस्तों, इस वक्त हम जा रहे हैं इस टॉप बिल्डिंग की तरफ, जिसको पीसी होटल के नाम से जाना और पहचाना जाता है। याद रहे कि ये ग्वादर की मैक्सिमम हाइट पे ये पीसी होटल जो है वो ये तामीर किया गया है। इस वक्त ये टर्न लेते हुए चढ़ाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जैसा कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। अमूमन इन जगह पर चढ़ाई कम है, लेकिन कहीं कहीं पर आती है, और इस ख़ास तौर पर इस टॉप पे जाने के लिए ये चढ़ाई है, और ये पीसी होटल की तरफ रास्ता जा रहा है। इस वक्त ये हम पीसी होटल के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। एक बहुत बुलंद बाला इमारत है इसकी, और इजाज़त नामे के साथ इसमें विज़िट करते हुए इसकी टॉप, इसके छत पे भी जाया जा सकता है खूबसूरत नज़ारे के लिए। याद रहे इसका क़याम 2005 में अमल में आया था, और बहुत ही एक खूबसूरत लोकेशन पे है। अभी नेक्स्ट आगे टर्न आ रहा है जो कि सीधा समंदर की तरफ है, और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ। जी, ये है वो खूबसूरत नज़ारा जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया था, कि बिल्कुल स्ट्रेट जो रोड है वो जाता है समुंदर की तरफ। दोस्तों, ये जो आपको दाएं बाएं प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। यहाँ प्लॉट की जो ख़रीदारी के हवाले से मेरा जो पर्सनली मशवरा है कि ज़ुबानी कलामी आप किसी से ये डील्स ना करें, क्योंकि बहुत कुछ हवाई खातों में अभी भी चल रहा है। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जिनका मतलब पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि वो कामयाब सोसाइटीज़ हैं। किसी के ज़ुबानी मशवरे से ऐसा बड़ा फ़ैसला नहायत तशवीशनाक भी हो सकता है, और मेरे ख़्याल के मुताबिक इसकी वजह ये है कि लाहौर से जैसा कि हम यहाँ पे पहुँचे हैं, इस जगह का जो राउंड ट्रिप है मतलब आना जाना, फासला तकरीबन 4 से 4,500 किलोमीटर तो यकीनन होगा। और कभी प्लाट देखने के लिए या किसी भी उसके काम के सिलसिले में बार बार आना कोई मतलब आसान काम नहीं है, बहुत लंबा सफ़र है। लिहाजा इस सब बातों को, इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए कोई अच्छा सा फ़ैसला करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस वक्त रोड के बिल्कुल एंड में पहुंच चुका हूं, जो कि बिल्कुल हमारा ये किनारा है, और ये सामने जो आपको एंड पे नज़र आ रहा है, ये एक कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्कुल एज पे, और मैं आपको यहाँ से तफसीली जो है ना वो नज़ारा करवाता हूँ। आगे जाके किनारे पर चलता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं बीच के करीब हूँ। ये पीसी होटल जो कि ग्वादर की बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे है, वो सामने मेरे है। इस वक्त तो थोड़ा दूर है, आपको नज़र नहीं आएगा, तो उससे थोड़ी सी सी साइड पे आते हैं, तो ये एक किनारा है एज,
इस साइड पे हम आए हुए हैं। तो अभी ग्वादर की मुकम्मल इंशाल्लाह सैर करेंगे, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। रात के वक्त तो दोस्त बताते हैं कि आगे दुबई की कुछ लाइट्स वगैरह भी नज़र आती हैं, पता नहीं सही कहते हैं या झूठते हैं लंबी लंबी। तो बाकी चलते हैं, अभी हमने बहुत सी साइट्स पर जाना है, हमें आर्मी के कुछ लोगों ने भी हमें कुछ मकाम बताए हैं, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे और बाकी ग्वादर का ओवरव्यू करवाते हैं। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों वो जो सामने एज नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं पहले खड़ा था जो पहली वीडियो थी, अब ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये पार्क बन रहा है, ये मेरीन ड्राइव, ये पार्क बन रहा है, रिक्रिएशनल पार्क इसका नाम है। ये अभी मैंने पढ़ा है, ये इस बोर्ड से आपको भी दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट है जी मेरीन ड्राइव रिक्रिएशनल पार्क, कॉन्ट्रैक्टर है जी कुलबर कंस्ट्रक्शंस कंपनी, क्लाइंट है इनके सेंगर हाउसिंग प्रोजेक्ट ग्वादर। ये सामने ये जो एरिया है ये सारा इन हाउसिंग सोसाइटी का है जो ये कंपनी कर रही है, सेंगर हाउसिंग प्रोजेक्ट, और साथ ही उन्होंने ये पार्क बिल्कुल किनारे पे बनाया है। बहुत ही खूबसूरत एक व्यू होगा बनने के बाद। इस वक्त हम इस पॉइंट से वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं, यह है वही पीसी की बिल्डिंग जिसका अभी आते हुए ज़िक्र हुआ है। तीन जवानों को मेरा सलाम। और दोस्तों यह है ग्वादर का बुलंदी से खूबसूरत नज़ारा, यही जगह तस्वीर में देख देख कर खुश हुआ करते थे, बर्फ़ से नफीस आज यहाँ मौजूद हैं, तो सोचें ज़रा खुशी का आलम क्या होगा। बस दुआ है कि अल्लाह ताला इस जगह को पाकिस्तान की मजबूत और मुस्तहकम मुआशी सूरत हाल का बाइस बनाए। दुश्मन अनासर इस ख़जाने की कुंजी पर बहुत बुरी नज़र रखे हुए हैं, अल्लाह ताला हर किस्म की हिफाजत फरमाए, आमीन। अब यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं कश्तियाँ बनाने वाली वर्कशॉप में, वहाँ के मनाज़िर आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं ग्वादर में फाइज़र के मकाम पे मौजूद हूँ, जहाँ पे ये सबसे बड़ी वर्कशॉप है, ये बोट्स बनती हैं, ये कश्तियाँ बनाने की सबसे बड़ी वर्कशॉप है ग्वादर की। यहाँ पे मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ कि जो कि कश्ती बनाते हैं उनसे थोड़ी मालूमात लेते हैं, कितनी देर में कश्ती बन जाती है और उसका अमूमन लाइफ टाइम क्या है एक कश्ती का। देखें ये मुख्तलिफ़ साइज़ की ये बोट्स हैं, और ये जो है ये तकरीबन आलमोस्ट ये बन गई है, ये फाइनलाइज़ करने वाली होगी, क्योंकि ये जो है अभी इसके जो तख्ते हैं सिर्फ वो जोड़े गए हैं और उसके बाद जॉइंट्स लगते हैं। और पहले ये दो कश्तियाँ जो खड़ी हुई हैं एक इनकी फॉर्मेशन बता रही है ये फाइनलाइज होने वाली हैं, तो काम अभी जारी है इसके इनके ऊपर भी। तो काम करने वालों से पूछते हैं जी मज़ीद मालूमात कि ये कितने अरसे में तैयार होती है। अच्छा, ये एक काफ़ी बड़ी जो है ना ये जो कश्ती है ये तैयार हो रही है, इस पर वर्कर्स लगे हुए हैं, अभी काम जारी है। तकरीबन मुझे ये लगी कि फाइनलाइज के करीब है, इसलिए मैंने इसी का इंतखाब किया। यहाँ पे थे मोहम्मद हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद हनीफ साहब, जैसा कि आप इसका काम करवा रहे हैं देख रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी मालूम ये चाहिए, आप इसका ज़रा बताएं इसका साइज़ क्या है इस कश्ती का, ये जो लगी है ये 26 फुट है। 26 फुट है तकरीबन, ठीक है 26 फुट की ये बता रहे हैं मोहम्मद हनीफ साहब। और अंदाज़ा है कुछ कितना अर्सा लग जाएगा इसको तैयार होते हैं? 5 महीने 6 महीने लग जाएंगे, काम वर्कर सही काम कर ले तो। अच्छा जी, इनका कहना है कि 5 से 6 माह लग जाएंगे वर्कर्स अच्छे तरीके से मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहें, छुट्टी ना करें। बाज़ात कोई त्यौहार वगैरह आ जाते हैं कि ऐसी छुट्टियां आ जाती हैं कि वो ज़्यादा लंबे दिनों के लिए चले जाते हैं, तो 5-6 महीने उन्होंने बताया है। कीमत के हवाले से ज़रा आइडिया दें कि इतनी बड़ी कश्ती कितने में बन सकती है? 4-5 में आते हैं। 4-5 लाख में? अच्छा, 26 फुट की। जी हाँ। ठीक है जी, बड़ी शानदार कश्ती है जी, खूबसूरत।
ये सामने समंदर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बोट्स हैं इस वक्त लगी हुई हैं, क्योंकि सीज़न अभी ऑफ है, अभी सीज़न ऑन होने लगा है तो इंशाल्लाह ये सारी चालू हो जाएगी। अच्छी मच्छी नहीं है, मच्छी नहीं है, इस साल मच्छी बहुत कम है। हाँ मछली बहुत कम है जी इस दफ़ा, अल्लाह आसानी करे जी। बहुत शुक्रिया जी अनिफ साहब, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी वर्कशॉप है दूर तक फैली हुई, जहाँ पे ये कश्तियाँ बन रही हैं इस वक्त छोटे साइज़ की हैं, ज़्यादा छोटे साइज़ की तो नहीं नज़र आ रही, बनती हुई दरमियाने साइज़ की हैं कुछ तो। ये बहुत बड़ी ये कश्ती है, इनकी मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ होती हैं। ये जिसकी हमने बात की है ये तकरीबन 25-26 फुट की है, बिल्कुल ये साहिल समंदर पर ही ये वर्कशॉप है, फाइज़र के मुकाम पर, ग्वादर फाइज़र के मुकाम पे ये वर्कशॉप मौजूद है। दोस्तों इस जगह का वापसी पे निकलते हुए क्या खूबसूरत नज़ारा है, नीलगुं आसमां और धुले हुए जैसे बादल हैं, बग़ैर किसी फ़िल्टर के और बग़ैर किसी एडिटिंग के, छोटे से नन्हे से कैमरे का माशाल्लाह बहुत अच्छा कमाल है। इस वक्त हम बोझल कदमों से बल्कि बोझल टायरों से ग्वादर की हदूद से वापस निकल रहे हैं और हसीन तरीन नज़ारे को अपनी आँखों और दिल में बसाए हुए वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं। उम्मीद है आप हजरात को सफ़रनामा ज़रूर पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।